हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वैलिडेशन रूल हम पैन कार्ड पर कैसे लगा सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट सरिता, ये व्यूअर हैं हमारी, इनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी और इन्होंने पूछा था कि हम किस प्रकार से वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। मेरे पास 2007 वर्जन है, आपके पास जो भी हो उसमें लगभग प्रोसेस सेम ही है। तो यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और फिर ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे और ये इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपको जाना है व्यू पर, जाना है डिजाइन व्यू पर। यहां पर कोई नाम दे देता हूं, पैन वैलिडेशन करता हूं तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहां पर मैं लिखता हूं पैन और यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको टेक्स्ट कर दूंगा। अल्फा न्यूमेरिक वैलिडेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहां मैं टेक्स्ट कर दूंगा इसको और यहां कर दूंगा नेम ऑफ। ओके, तो यहां कर दूंगा नेम ऑफ पर्सन। ओके, अब यहां पर जो मैंने टेक्स्ट किया है पैन आईडी को, इसमें सोच समझने वाली बात यह है कि पैन कार्ड तो सिर्फ 10 ही अंकों का होता है तो इसमें हमको वैलिडेशन देना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए फील्ड साइज पर और यहां पर लिख दीजिए 10। तो यहां पे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाए, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 10 से अधिक कैरेक्टर्स आ नहीं सकते हैं। तो ये तो पहली वैलिडेशन एक तरह से देखा जाए तो यही हो गई। यहां पर आएंगे और एक कॉलम बनाएंगे एज का, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे टेक्स्ट रखा है हमने, ठीक है, लेकिन यहां पे हम कर देंगे टेक्स्ट ही रखते हैं इसको, ठीक है। और यहां पे हम कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो 18 साल हमने कर दिया इसको, ठीक है। और यहां पे नीचे दे देंगे टेक्स्ट मैसेज द एज और ग्रेटर देन 18। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं आप कि द एज शुड बी ग्रेट 18 और ग्रेटर देन 18 हमने दे दिया है। और अब हमें करना है यहां पे व्यू पे क्लिक, ठीक है, और यहां से यस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहां पे इस तरह से ये आया हुआ है। अब चलिए पैन आईडी हम डालते हैं। जैसे मैं पैन आईडी डालता हूं अपनी, ठीक है, जो भी पैन आईडी है, कोई एक डमी पैन आईडी मैं ले लेता हूं, अंकों का ये पैन आईडी है, ठीक है। तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर सपोज कीजिए यहां पे नाम लिख देता हूं मैं, जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और यहां पर एज डालना है, ठीक है। अगर एज मैं 12 साल डालता हूं तो क्या होगा, जैसे ही मैंने एज 12 साल डाला यहां पे क्या आ रहा है, द एज शुड बी 18 और ग्रेटर देन 18। चलिए अब नीचे आते हैं, यहां पे इसको सही कर लेते हैं पहले। यहां पे हम 18 साल जैसे ही करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहां पे फिर एक पैन आईडी डालते हैं। अब देखिए यहां पे ये मैं कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं नहीं लिख पा रहा क्योंकि फील्ड साइज हमने 10 तक ही रखी है, दैट्स व्हाई ये नहीं ले रहा है आगे का नंबर, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए हमने दे दिया राम, ओके, और फिर यहां पे एज दे देता हूं मैं। जैसे ही मैं 12 दूंगा, कोशिश करूंगा 18 से कम देने की, तो यहां पे आएगा एरर मैसेज द एज शुड बी 18 और ग्रेटर देन 18, ठीक है। फिर यहां पर देखिए क्लिक किया तो जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक ये ऐसे ही लगा रहेगा। अगर 19 करता हूं तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पैन कार्ड में वैलिडेशन दे सकते हैं। पूछा था आपने सरिता जी कि पैन कार्ड में हम वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, तो इस तरह से हम वैलिडेशन दे सकते हैं। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।